राम मंदिर मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए स्वर्गीय अनिल सिंह पंकज संस्थान के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और राम मंदिर निर्माण के नाम पर दुकानें भी सजनी शुरू हो गई है जो बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वैष्णो देवी साइन बोर्ड व शिरडी में ट्रस्ट बना है उसी तरह सरकार यहां भी ट्रस्ट बनाए ताकि श्रद्धालुओं द्वारा जो भी दान स्वरूप दिया जाए वह उसमें समाहित किया जाए। उन्होंने कहा राम मंदिर पर आए फैसले के बाद ट्रस्ट के नाम पर दुकानें तो सजने लगी है जो ठीक है, लेकिन क्या कभी रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक गिलास पानी की सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा राम मंदिर का निर्माण सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की देखरेख में हो और जो दान स्वरूप आएगा वह ट्रस्ट में समाहित हो। आज का जो प्रेस वार्ता है मुख्य उद्देश्य ये हमारा है कि अभी एक सप्ताह हुआ है, अभी हम पिछले 12 वर्षों से स्वर्गीय अनिल सिंह पंकज सेवा संस्थान तत्वावधान में विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करते थे, वो आप लोग अवगत होंगे, समाज भी अवगत है। तो जब से मंदिर का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 9 तारीख को शायद आया है, उसके पश्चात मेरे और हमारी धनपत्नी जी के दिमाग में विचार आया जो संस्था भय नाम पे चलती रहेगी, कुछ प्रभु श्री राम के नाम पे भी कुछ ऐसा हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के ऊपर विषय आस्था पे अपना फैसला दे दिया है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि भव राम मंदिर का निर्माण जिस तरह से हो, हमारी इच्छा है कि भव राम मंदिर पूरा हीरो से बन जाए। शायद अगर हम लोग में विश्वास है आस्था है तो हीरे भी बन जाएगा, लेकिन मंदिर चाहे पत्थर की हो हीरे की हो सोने की हो उससे कोई बहुत मान्य नहीं रखता है, मान्यता रखती है प्रभु राम की आस्था।